हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी 24। हम आपके सामने हाजिर हैं प्रतियोगी परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के नए वीडियो के साथ। क्वेश्चन शुरू करें से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करना न भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसका फायदा उठा सके। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, पेनिसिलिन की खोज स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी तथा ब्लैक होल के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बक्सी मछली गैम्बुशिया है तथा डीएसएलआई की नोकों में लाल फास्फोरस होता है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ यूपीएससी 2011 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम की खोज लोकेयर ने की थी तथा कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडोन है। नेक्स्ट, एचसीपुरे ने भारी पानी अर्थात हैवी वाटर की खोज की थी तथा कार्बन डेटिक जीवाश्मायु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, कमेंट जरूर दें। नेक्स्ट, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया फिल्ट्रेशन कहते हैं तथा सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है तथा विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय गैस होती है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा बारूद का मिश्रण होता है, उसमें नाइट्रस सल्फर और चारकोल सभी होते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कास्ट का उपयोग होता है तथा रसायनों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रेमजे को प्राप्त है तथा बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखा जाता है तथा सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, साबूदाना अर्थात सोगो साइकस से बनाया जाता है तथा विषाणु वृद्धि करता है। जीवित कोशिका में यह विषाणु वृद्धि करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में एक निबल 4 बिट सूचित करती है तथा पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को वर्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में संस्थापित किया गया तथा कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है एक आउटपुट डिवाइस तथा कंप्यूटर मेमोरी में डाटा रहता है वो प्रोग्राम के रूप में रहता है। नेक्स्ट, OTP का पूर्ण रूप ऑक्सीटोप पब्लिशिंग है तथा OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन है। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे तथा टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी कहते हैं तथा कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं तथा CD-ROM एक मैग्नेटिक मेमोरी है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप अर्थात IC का विकास JBS किल्बी ने की तथा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स में मापते हैं। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम में बग को एरर कहते हैं तथा सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है तथा 1 byte में 8 bit होते हैं अर्थात 1 byte होता है वो 8 bit से बनता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है तथा ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन थे। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में खोला गया था। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारे वीडियो में किसी कहीं भी आपको संशय हो तो कमेंट जरूर दें। आगे क्वेश्चन और बताते हैं आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक विघटन स्त्रावशान और स्त्रगन तीनों द्वारा समाप्त की जा सकती है तथा केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता।
नेक्स्ट, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्राकलन समिति तथा लोकलेखा समिति का गठन संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक वयस्क नागरिक की कानूनी आयु 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट, राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड नामक 5 राज्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि 5 राज्यों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर जीवी मालवंकर के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तथा पॉलिथीन की थैलियों पर रोक लगाने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब था। नेक्स्ट है, संविधान में 12 अनुसूचियों का वर्णन है जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में स्थापित किया गया तथा अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट, परमादेश रिट किसी सार्वजनिक अथवा अर्ध सार्वजनिक संस्था के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में केवल 7 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा बिहार में विधान परिषद है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णित किया जाता है। यहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और वीडियो को पूरा देखें, कमेंट जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो को लाइक इसलिए करें कि जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने पेश कर सकें। नेक्स्ट बताते हैं, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3rd मंडल में वर्णित है जो सूर्य देवता को समर्पित है तथा गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबद्ध था। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था तथा 1608 में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति चाही थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया तथा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता में मोहम्मद अली जिन्ना ने की तथा 30 सितंबर 1906 ईस्वी में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह मोहनिसुल तथा आगा खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग के लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट, भारत की प्रमाणिक मध्यान्ह रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा आयकर निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर लगाया जाता है तथा मार्ग कर अर्थात टोल टैक्स कर राज्य सरकार लगाती है। नेक्स्ट, बच्चों में प्रोटीन की कमी अर्थात न्यूनता के कारण मैरास्मस रोग हो जाता है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिथेन गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है तथा नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उतले जलीय भाग के रूप में है। नेक्स्ट, देश का प्रथम सैन्य स्टेशन जिन्हें स्मार्ट सिटी परियोजना पैटर्न के आधार पर विकसित किया जाएगा, ए भुज सैन्य स्टेशन, 2 जैसलमेर सेना स्टेशन, 3 4 बातिया सैन्य स्टेशन और 4 विल्लर द्वीप सैन्य स्टेशन। तो इसका आंसर है जैसलमेर सेना स्टेशन। ऐसा प्रथम सैन्य स्टेशन है जिसे स्मार्ट सिटी परियोजना पैटर्न के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भारतीय सेना राजस्थान की जैसलमेर स्थित मिलिट्री स्टेशन को केंद्र सरकार प्रायोजित स्मार्ट शहर योजना पैटर्न के आधार पर एक स्मार्ट सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा पहचाने गए 8 प्रमुख क्षेत्रों के अनुरूप तैयार की गई है। इस सैन्य केंद्र पर वर्षा जल संचयन, केंद्रीयकृत कचरा निपटान,
सौर जल तापक और सुरक्षा रोशनी, भूमिगत विद्युत केबलिंग, एलईडी लाइटिंग और पाइपलाइनों के माध्यम से एलपीजी आपूर्ति की योजना में प्रावधान किए गए थे। तो ये थे हमारे प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा मैटर और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे सकें। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे सभी व्यूअर्स का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।